हिमाचल कैबिनेट की बैठक में देहरा में एसपी और पीडब्ल्यूडीएसई ऑफिस खोलने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन उपचुनाव के बाद जारी होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। क्या बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सुनिए विस्तार से। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।